तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि WhatsApp में प्राइवेसी का ऑप्शन क्यों दिया होता है और इसका मतलब क्या है और इससे फ़ायदे क्या हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जब WhatsApp ऐप को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहां पर ट्रिपल डॉट पर क्लिक करिए, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करिए, तब आपके सामने ये आता है प्राइवेसी का ऑप्शन। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आगे कुछ बताने से पहले, प्राइवेसी का मतलब ये हो जाएगा आपका जो भी आपके WhatsApp पर फ़ोटो है, जो भी आपका अबाउट है, कब आप ऑनलाइन रहते हैं, कब आप ऑफलाइन होते हैं, कितने देर पहले आप ऑनलाइन थे, यानी आप यूँ कह सकते हैं WhatsApp पर पूरी तरह से आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। पूरी तरह से आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप उसको प्राइवेट कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है हु कैन सी माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ से आप पूरी तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन देख सकता है WhatsApp पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जल्दी जल्दी, यहाँ पर देखिए लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, यहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले देते हैं यू कैन सी माई लास्ट सीन। जब भी हम WhatsApp पर लाइव जाते हैं या फिर जब भी हम WhatsApp ऑनलाइन रहते हैं तो उस समय जो कई बार हमको समय दिखाते हैं कि हाँ ये बंदा इस समय, इसका लास्ट सीन ये समय था। ठीक है, 3:00 या फिर 4:00, तो आप उसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एवरी वन पर क्लिक करते हैं ना तो आपका लास्ट सीन हर कोई देख सकता है। अगर माई कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो लास्ट सीन है वो आपके बस कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले ही देख सकते हैं। अगर माई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो अगर आप यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कौन कौन मेरा WhatsApp का लास्ट सीन नहीं देख सकते। बस देखिए रेड है ना, बस जो जितने वो रेड पे क्लिक करेंगे ना, जितने भी रेड टिक हो गया तो ये लोग हमारे WhatsApp का लास्ट सीन नहीं देख सकते हैं। अभी मैं बैक करता हूँ। अगर आप नो OTP क्लिक करते हैं तो आपका भले ही से वो एवरी वन हो, कोई भी हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट ना हो, उस कोई भी आपके लास्ट सीन को नहीं देख सकता। वही उसी तरह यहाँ पर देता है हु कैन सी माई ऑनलाइन, यानी जब हम ऑनलाइन रहते हैं कि हमारे ऑनलाइन होते ही कौन कौन देख सकते हैं कि हाँ ये बंदा ऑनलाइन है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन देता है सिंपली, एक देता है एवरी वन। अगर एवरी वन पर क्लिक करते हैं तो जब आप ऑनलाइन होंगे तो बंदे को मालूम चल जाएगा कि हाँ ये बंदा ऑनलाइन हो गया, अब इनसे चैट कर सकते हैं। अगर आप सेम एज लास्ट सीन पर करते हैं तो जो सेटिंग आपने WhatsApp यहाँ पर ऊपर लास्ट सीन वाले में किए होंगे वही सेटिंग यहाँ पर भी हो चुका है। ठीक है, तो यानी अभी के लिए ना मेरा WhatsApp कोई लास्ट सीन देख सकता है, ना ही जब मैं ऑनलाइन होऊंगा तो किसी को नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, ये सेटिंग करने के बाद उसी तरह सिंपल यहाँ पर प्रोफाइल का भी देता है, यहाँ भी टोटल 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देता है, एवरी वन यानी सब कोई देख सकता है, माई कॉन्टैक्ट यानी जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो देख सकता है, माई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप जिसको टिक करेंगे वो लोग नहीं देख सकते हैं, और नो बटन पे करते हैं तो कोई नहीं देख सकता है। तो ठीक उसी तरह आप यहां से आप अबाउट को डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन आपके अबाउट को पढ़ेगा, आपके स्टेटस को कौन कौन देखना चाहते हैं, आप यहां से कर सकते हैं। और आपके में ये रीड रिसिप्ट ऑन होता है। ठीक है, अगर आप ये ऑन है तो जब आप किसी का WhatsApp देखते हैं, WhatsApp स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पे काउंट हो जाता है कि हाँ इस बंदे ने आपका मेरा WhatsApp एड्रेस देखा है। ठीक है, जब आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपका जो WhatsApp स्टेटस है, जब भी आप किसी का WhatsApp स्टेटस देखेंगे तो उस वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, आप देख भी लेंगे और उसको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। इसके अलावा यहाँ पर देता है डिसअपीयरिंग मैसेज का ऑप्शन, तो यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, यहाँ पर टोटल 3 ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन। ठीक है, एक 24 घंटे का, एक 7 दिन का, एक 90 दिन का। तो डिसअपीयरिंग मैसेज का मतलब होता है कि जो भी आपका दो लोगों के बीच में बात होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ से ऑन करते हैं तो पूरे WhatsApp में ये सेटिंग ऑन हो जाएगा कि जो भी आपके WhatsApp में 24 घंटे अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 24 घंटे में जितने भी लोगों से आपने बात की है अगले 25वें घंटे वो ऑटोमेटिक सभी चैट डिलीट हो जाएंगे। अगर आप उसको 7 दिन करते हैं तो 8वें दिन ये ऑटोमेटिक सभी डिलीट हो जाएंगे, और उसी तरह 90 दिन पर करते हैं तो 91वें दिन जब होगा तो पूरा जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऑफ रखते हैं तो आपका ये डिसअपीयरिंग मैसेज ऑफ है। और डिसअपीयरिंग मैसेज आप प्रैक्टिकली किसी ग्रुप में या फिर किसी पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, अभी लास्ट में आपको उसको बता दूंगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर ग्रुप का भी ऑप्शन है,
कई बार क्या होता है कि हमारा नंबर जो है वो कोई भी ऐरा गैरा जिसको मन के मेरा नंबर किसी भी ग्रुप में ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन ऑप्शन देते हैं, ठीक है। अगर एवरीवन करते हैं तो आपका नंबर हर कोई चाहे जो जिसको मन वो किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है बहुत ही आसानी से। अगर माई कंटेंट पर करते हैं तो यहाँ से आपका नंबर जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का होगा, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में संपर्क में होगा, वही आपका व्हाट्सएप नंबर आपका नंबर किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। वहीं ठीक उसी तरह अगर माई एक्सपर्ट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन मेरा नंबर किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। अगर आप कोई ऐसा बंदा है जो आपका नंबर बार बार किसी ग्रुप में ऐड कर देता है तो आप उसको यहाँ से टिक कर दीजिएगा, और टिक करने के बाद सही के निशान पर क्लिक कर दीजिएगा। तब जिसको आप 8 लोगों को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, 8 लोग मिल के भी मेरा जो नंबर है वो किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई चाहे तो मेरा नंबर ऐड कर सकता है। तो अभी के लिए मैं एवरीवन पर रहने देता हूँ, बैक होता हूँ। बैक होने के बाद यहाँ पर देता है लाइव लोकेशन का ऑप्शन। जब आप इसको अलाउ करेंगे तो आपका जो लाइव लोकेशन हम जब शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप का, ठीक है, कोई बंदा कह दिया कि मुझे लाइव लोकेशन है, तो जब ये ऑन रहेगा ना तभी आप यहाँ अपना व्हाट्सएप से किसी को भी आप लाइव लोकेशन सेंड कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर देते हैं ब्लॉक लिस्ट। कई ऐसे बंदे होते हैं जो बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो उनको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देता है, कॉन्टेक्स्ट का होता है या बिजनेस का ऑप्शन होता है, ठीक है। जो नॉर्मल व्हाट्सएप चलाता है तो उसका कॉन्टेक्ट में दिखाई देता है, ये देखिए जब सभी लोग नॉर्मल है, और ये जो 2 नंबर है ये बिजनेस व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बिजनेस वाले अलग कैटेगरी में शो कर रहा है। आप पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट को भी देख सकते हैं। लास्ट में ये चीज़ और देता है आपको, फिंगरप्रिंट लॉक। इसको क्लिक करके अगर आपका मोबाइल फिंगरप्रिंट वाला है तो आप इसको इनेबल करके अपना जो फिंगरप्रिंट लॉक है उसको लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन देता है कि अगर आप इमिडिएटली जब आप व्हाट्सएप को बैक करें, उसको हटाए, बैक करके बैक कर दिए, ठीक है ना, या मिनिमाइज करके पूरी तरह से इसको हटा दिए, तब ये ऑटोमेटिक ये लॉक लग जाएगा। देखिए यहाँ पर लॉक लग चुका है, या फिर 1 मिनट बाद लगाना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी लॉक लगने का टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं 30 सेकेंड का रख देता हूँ, 30 मिनट का, और देन बैक हो जाता हूँ, ठीक है। तो प्राइवेसी कहने का मतलब पूरी तरह से आप अपने व्हाट्सएप को किसको दिखाना चाहते हैं, लॉक रहेगा नहीं रहेगा, अपने मैसेज को कितनी देर तक आप किसी के सामने शेयर करना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप पूरी तरह से यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।